ये नोट्स आप लोग को दिख रहे होंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. यानी डेटा वर्ड हम लोगों ने आई थिंक काफी बार सुना होगा. डाटा जैसे हम ज्यादातर ये वर्ड आप लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट में सुना होगा. रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा, राइट. यहाँ पे भी, यहाँ पे जो हम डेटा की बात कर रहे हैं ये भी उसी तरीके का डेटा है जो कंप्यूटर में हम पढ़ते थे कि हमारे पास. बट यहाँ स्टैट्स में बेसिकली हम लोग जो डेटा की बात करते हैं ना वो हम बात करते हैं कि जो भी इन यू नो द रिलेटेड फैक्ट्स जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है उसका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप लोग इफ यू रिमेम्बर आप लोगों ने मीन मीडियन मोड जब क्वेश्चंस करे होंगे सो मीन मीडियन मोड में जो क्वेश्चंस आपको फॉर्म्ड मिलते थे तो वो क्वेश्चंस बने किस तरीके से हैं. जैसे आपने देखा होगा डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन है, क्लास इंटरवेल की फॉर्म में है, इंडिविजुअल सीरीज में है, यू नो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन फॉर्म होकर आ रहा है. सो उनकी फॉर्मिंग कैसे होती है, वो क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, उसमें जो वैल्यूज हमें मिलती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है कि वो डिस्क्रीट सीरीज में है, क्लास इंटरवेल की फॉर्म में है, सो वो सारा उसका सारा थ्योरी हम इस चैप्टर में समझेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का हिस्ट्री क्या है एंड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या आप स्टूडेंट हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के, आपको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. सो वहां से बात शुरू करते हैं. डियर, आज की डेट में कोई भी फील्ड आप उठा के देख लीजिए आपको स्टैट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. आज सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से. अगर आप जब भी न्यूज चैनल खोलेंगे या अपना व्हाट्सएप देखते हैं आप तो उसमें आपके पास अपडेट्स आते रहते हैं कोरोना से रिलेटेड. मुरादाबाद में इतने केसेस हुए, इतने केसेस आज मिले, इतने केसेस अब तक मिल चुके हैं, इनमें से इतने केसेस ठीक हो चुके हैं, इतने हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनमें भी फिर कैटेगरीज होती हैं कितने बच्चे थे, कितने एडल्ट्स थे, कितने यू नो एजेड थे. तो इस तरह से कैटेगराइज होकर जो डेटा हमारे सामने आता है ये इस फॉर्म में जो डेटा लाया जाता है ना जो जिसको हम इजीली समझ सके. सो ये डेटा की फॉर्मेशन सारी स्टैटिस्टिक्स से ही की जाती है. स्टैटिस्टिक्स के टूल्स टूल्स से, इसके फॉर्मूला से आपका जो रिजल्ट होता है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं आप लोग के जो रिजल्ट्स फॉर्म्ड होते हैं ना कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, तो आपका टोटल परसेंटेज क्या है, हर सब्जेक्ट में आपका क्या एग्रीगेट है, ये सारी बातें किस तरीके से सॉल्व हुई है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली. सो आज की डेट में कोई भी फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल एरियाज हो, सब जगह स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही है. सो डेफिनेटली अगर सब जगह यूज हो रही है तो वो आपको भी पढ़नी है, राइट. सो वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स. जैसे आप नोट्स में देख रहे हैं जो मैंने स्क्रीन पे शेयर करा है, मेन ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है आपके एमसीक्यूज में है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है या डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका क्या, किस वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है. द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ये तीन लैंग्वेजेस का ज्यादा पूछा जाता है वही मैंने मेंशन करा है, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड एंड जर्मन वर्ड. सब में अगर आप देखें तो स्पेलिंग्स थोड़ी थोड़ी अलग है, प्रोनंसिएशन अलग है, लेकिन सभी का जो मीनिंग है वो है अ पॉलिटिकल स्टेट. तो जो ओरिजिन हुआ था स्टैटिस्टिक का, ये जो मीनिंग है अ पॉलिटिकल स्टेट, इस बात से मतलब क्या है और ये यू नो स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन इस बात से कैसे हुआ है, ये मैं आप लोग को समझा देती हूँ. अ पॉलिटिकल स्टेट से मतलब है कि जब स्टैटिस्टिक्स यूज होना स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ इसको गवर्नमेंट यूज करती थी. जो भी उस एरिया की रूलिंग गवर्नमेंट होती थी, अथॉरिटीज होती थी, सिर्फ वही स्टैटिस्टिक्स को यूज करती थी जस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मैंने लिखा भी है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर लोकल गवर्नमेंट. मान लीजिए किसी एरिया में, अभी जैसे लेटेस्ट ही हम एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने अभी कोरोना के लिए ही समझाया, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेट की फॉर्म में स्टैट्स यूज हो रही है कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट है, रूलिंग अथॉरिटीज हैं, वो स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को यूज कर रही हैं फॉर दी कलेक्शन ऑफ डेटा कोरोना से रिलेटेड और उसका प्रेजेंटेशन. जैसे आप न्यूज चैनल पे देखते हैं तो ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ है, बहुत ही प्रॉपर वे में प्रेजेंट होकर आता है डेटा, जिससे हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि करंट सिचुएशन कोरोना की क्या चल रही है, किस कंट्री में किस तरीके की सिचुएशन है, राइट. सो इसी वजह से बहुत पहले जब स्टैट्स यूज हुआ था सो उसको सिर्फ लोकल गवर्नमेंट यूज करती थी, तो
इसलिए इसको बोला गया एक राजनीतिक दशा है ये, तो स्टार्ट्स क्योंकि यूज ही ये लोग करते थे तो उसी तरीके का नाम इसका रखा गया, स्टार्टस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक्स, जो कि बाद में रिफाइन होते होते इसकी स्पेलिंग और इसका जो प्रोनंसिएशन है वो हो गया स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज जो स्टैटिस्टिक्स है वो दो सेंस में यूज होती है, जैसे कि आप नोट्स में देख सकते हैं, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस, सिंगुलर एंड प्लूरल। इन इट्स प्लूरल फॉर्म, अगर हम प्लूरल फॉर्म की बात करें तो जो मैंने अभी बताया ना आपको कि या पहले जो यूज होता था वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को कलेक्ट करना और उसको प्रेजेंट करने के लिए ही स्टैट्स को यूज करते थे, तो ये एक फॉर्म है विच इज नोन एज प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक एग्जाम्पल भी साथ में मैंने दिया है, जैसे एज द नंबर ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया इन डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ दिल्ली, अगर इससे रिलेटेड हम डेटा को कलेक्ट करें कि एक कॉलोनी में डिफरेंट कॉलोनीज में दिल्ली की अभी मलेरिया हटा के अगर कोरोना रख दें तो दैट वुड बी मोर रिलेटिव कि इस समय की सिचुएशन है वो, कि अगर हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि इस कॉलोनी में इतने टोटल लोग हैं, इसमें से इस एज ग्रुप के इतने, इस एज ग्रुप के इतने, इस एज ग्रुप के इतने हैं और इनमें से इतने इतने लोगों को कोरोना हो गया है, इतने लोग सेफ हैं, इतने लोगों ने दवाई ली है, इतने लोगों ने नहीं ली है एंड सो ऑन। सो ये डेटा कलेक्शन और उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, ये होती है प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि सबसे ज्यादा ये वाली फॉर्म यूज होती है, कोई भी लेमैन इस फॉर्म को यूज कर सकता है, जैसे स्टैटिस्टिक्स नहीं भी आती वो भी इस तरह से स्टैट्स को यूज कर सकता है। इम्पॉर्टेंट है द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज सिंगुलर फॉर्म, जो कि जिसके ऊपर आपकी ये पूरी स्टडी बनाई गई है, जो आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन और कलेक्शन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़नी है इसकी सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहती है इट रेफर्स टू द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ये दोनों स्टेप्स तो आपके प्लूरल में भी है बट जो बाकी दो स्टेप्स हैं वो सिंगुलर में मिलेंगे आपको, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी आप पहले तो डेटा को कलेक्ट करेंगे सब जगह से, जिस जिस टॉपिक के ऊपर आपको स्टडी करनी है उससे रिलेटेड हमने डेटा कलेक्ट करा, उसको प्रेजेंटेबल बनाया, उसके बाद एनालाइज करना है आपको प्रॉपरली उसको और इंटरप्रेट करना है अपने रिजल्ट को, राइट। सो दिस इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स और मैंने लिखा भी है वी विल डिस्कस स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। इस चैप्टर में हम प्लूरल फॉर्म को समझेंगे कि कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा को, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, बट इन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स यू विल स्टडी दी सिंगुलर फॉर्म की किन किन मेथड से हम इनको एनालाइज कर सकते हैं जिससे हमें अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सके, यूजफुल इंफॉर्मेशन हम सबको मिल सके। सो ये है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट कुछ पूछना है सो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं कोई भी बात। स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी बात नहीं समझ में आई हो? बिकॉज आप देखने में ये लग रहा है कि एक या हमने दो पैराग्राफ करे हैं बट जब आप स्टडी के क्वेश्चंस करेंगे सो यू विल फाइंड कि आपको इतने पैराग्राफ में से ही काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, सो ये क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, दैट्स रियली गुड। ओके आगे बढ़ते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं जो नॉन मैथ्स के हैं? आरुषि मैम, पावनी मैम, सृष्टि। बट आई थिंक ये मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ मैथ्स और नॉन मैथ्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसीलिए पूछा कि नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स ये ना समझे कि ये कुछ मैथ्स से रिलेटेड है, अब तक था बट अभी नहीं रहेगा। आई टीच यू लाइक अ नॉन मैथ मैथ मेरे लिए दोनों इक्वल हैं, दोनों को ही एक ही तरीके से पढ़ना है, राइट। सो मैथ्स जस्ट विल यूज मैथ्स जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, और कोई यूज नहीं है इसका, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो हम लर्न करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड मैं कोई बताना नहीं, पिक्चर नहीं आ रही है, यू आर स्क्रीन शेयरिंग, इस पर क्लिक करो और स्टूडेंट्स की क्या चाहिए।
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे स्टडी करनी है, उसका उसको एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली जो डेटा है उसको क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, नाम से ही पता लग रहा है कि यू नीड टू कलेक्ट द डेटा। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं वो यहाँ पे बात की गई है, कि कौन कौन से मेथड है जिनसे आप यू नो के डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो आई गेस सबको पता होगा कि दो ही मेथड होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, आइदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ब्रैकेट में मेंशन भी है, नॉन प्रिंटेड अनयूज्ड मटेरियल, यानी जो कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ है, जो कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ है, आपने खुद उसको यू नो रिसर्च करके ढूंढा है, वो अभी कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, कहीं प्रिंट नहीं हुआ है, अनयूज्ड मटेरियल, फ्रेश, राइट? दिस इज नोन एज प्राइमरी। प्राइमरी जिसे आप अगर पर्सनली किसी से बात करके कोई डेटा ले रहे हैं, किसी का आपने इंटरव्यू लिया है और आपने कुछ आपने एक क्वेश्चनेयर बनाया था, आप पर्सनली गए उस पर्सन के पास और आपने इंटरव्यू लेके वो डेटा कलेक्ट करा है, सो दैट डेटा इज नोन एज कि वो प्राइमरी सोर्सेस के थ्रू आपने उसको कलेक्ट करा, वो आपने कहीं अभी प्रिंट नहीं करा, किसी और का आपने यूज मटीरियल नहीं लिया है। एंड दूसरा ऑब्वियसली सेकेंडरी सोर्सेस, कि किसी और ने कोई इंटरव्यू लिया था, उसके जो आंसर्स थे उससे आपने अपना उसका डेटा कलेक्ट कर लिया, यानी जो भी डेटा कहीं पे पहले पब्लिश हो चुका है उसको कोई भी यूज कर सकता है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, मैगजीन्स में है, न्यूज़पेपर्स पे है, प्रिंटेड मटीरियल जितना भी होता है, या जिसे कहते हैं यूज्ड डेटा, वो आपका किससे कैसे हमें मिलता है, विद द सेकेंडरी सोर्सेस। तो सेकेंडरी सोर्सेस तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात होगी, पब्लिश डेटा या प्रिंटेड मटेरियल, राइट? लेकिन मेन है कि प्राइमरी सोर्सेस कौन कौन से हैं हमारे डेटा को कलेक्ट करने के, यानी हम किस तरीके से फ्रेश डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो डेफिनेशन में एक छोटा सा लिखा है हमने, प्राइमरी डेटा मीन्स दोज डेटा विच आर ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल क्लियरली हमने मेंशन करा है कि जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, उसको किसी ने अगर यूज नहीं करा है, तो दैट इज नोन एज कि वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन है। मेथड क्या है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के, एक जैसे मैंने अभी आपको बताया, द फर्स्ट वन इज इंटरव्यू मेथड, उसके अलावा है मेल क्वेश्चनेयर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनेयर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स। ये मैं आपको वर्बली एक एक करके समझा रही हूँ और इनके बारे में आप अपनी स्टडी से फिर पढ़ सकते हैं थोड़ा और ज्यादा समझने के लिए कि ये मेथड्स हैं क्या। सो फर्स्ट इज योर इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू आप तीन तरीके से कर सकते हैं, पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोनिक। पर्सनल, नाम से ही पता लग रहा है, आप पर्सनली जाके जिससे भी आपको, जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी थी, मान लीजिए आप कोई बैंक के ऊपर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आप पर्सनली उस बैंक में जाते हैं, उनके मैनेजर से, वहां के एम्प्लॉय से पर्सनली बात करके आप डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके के मेथड को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन का पर्सनल इंटरव्यू मेथड, राइट? इनडायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज लाइक कि जिसमें आपने डायरेक्टली, मान लीजिए आप बैंक में गए और जो उनके मैनेजर्स थे, आपको लेना तो उन्हीं का इंटरव्यू था, बट ही वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। सो आपने क्या करा, उनके जूनियर से या उनके जो अंडर में काम करते हैं, जो वहां के एम्प्लॉयज हैं, उनमें से किसी से भी उनके बारे में पूछ लिया। सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इंटरव्यू, कि आपने डायरेक्टली उस पर्सन से बात नहीं करी, बट उसके बारे में किसी और से, जो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज पता है, उनसे आपने पता कर ली। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। एंड द थर्ड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। आपने फोन किया, जो कि आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, बिकॉज आजकल सभी के पास टाइम की शॉर्टेज है, हम यू नो जो इंटरव्यू देने वाला है वो भी कन्वीनियंट है कि फोन पे ले लो, और जो लेने वाला है इंटरव्यू वो भी कन्वीनियंट है, इसको जाना नहीं पड़ा, उसका टाइम सेव हुआ। सो दीज थ्री आर दी इंटरव्यू मेथड, पर्सनल, इनडायरेक्ट एंड टेलीफोनिक। इसके बाद इसमें जो देखो क्वेश्चंस आते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे वो आपको ना एक सिचुएशन देंगे और कहेंगे कि इस सिचुएशन में बताइए कि इंटरव्यू का कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, पर्सनल ठीक रहेगा, इनडायरेक्ट ठीक रहेगा, टेलीफोनिक ठीक रहेगा, या बाकी भी जो है। पहले हम एक काम करते हैं, बाकी तीन मेथड बचे हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड, लाइक पर्सनल इंटरव्यू हमेशा आपको जैसे ज्यादातर एक सिचुएशन दी जाती है, एक सेकंड बच्चों,
सबसे बात करूं. So I was talking about mailed questionnaire method. Mailed questionnaire method बहुत ही common है आजकल. Questionnaire आप लोग के भी mails पे बहुत सारी ऐसे you know companies हैं जो research के लिए questionnaires भेजती रहती हैं और आपसे request करती हैं कि please kindly go through with the questionnaire and fill it and send it back to us. So ये वो method है कि आपने mail कर दिया. इसकी एडवांटेज ये है कि आप इससे बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड. आप यू नो आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है नेट पे क्योंकि ये यूज होना है. सो कोई फिजिकल बाउंड्रीज नहीं है. आप कहीं पे भी इसको सेंड कर सकते हैं किसी को भी सेंड कर सकते हैं. तो ये इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही बड़ा एरिया ये कवर करता है. फिर आता है ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड इज मींस कि आपने कोई टूल्स लेके खुद से डेटा कलेक्ट करा है. मान लीजिए एक स्कूल में आपको बच्चों की हाइट और उनकी वेट का कुछ आगे आप पढ़ेंगे कोरिलेशन में इस तरीके के डेटा हमें चाहिए होते हैं हाइट एंड वेट में कोरिलेशन निकालने के लिए. सो वो आपने क्या करा, आप अपनी टीम के साथ गए, आपने खुद से जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हाइट मीजर करने के लिए वेट मीजर करने के लिए उनसे आपने हर स्टूडेंट के हाइट और वेट को मीजर करा नापा. तो ये कहलाता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड. नेक्स्ट इज योर फोर्थ इज क्वेश्चनेयर फिल्ड एंड सेंड बाय एनुमरेटर्स. अगेन क्वेश्चनेयर्स हैं लेकिन उनको किसने भरवाया, आप खुद नहीं गए, आपकी कंपनी ने, आपने कुछ लोगों को हायर करा है जिनका काम सिर्फ यही है कि आप वो लोग आपको वो क्वेश्चनेयर लोगों से फिल करा के देंगे. कई बार आप अगर मॉल्स में जाएं या पेट्रोल पंप पे देखें तो कुछ लोग खड़े होते हैं कुछ पेपर्स लेके, उनके हाथ में कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं उनकी कंपनी से रिलेटेड और वो आपसे कहते हैं कि प्लीज, जो लोग वेटिंग में होते हैं वो लोग खाली खड़े होते हैं तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैम प्लीज आप इसको फिल करके हमें दे दीजिए. तो कुछ लोग करते हैं कुछ लोग फिल नहीं भी करते हैं बट वो जो वो डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज अगेन अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन. ठीक है, तो ये जो चारों मेथड्स आपने पढ़े प्राइमरी डेटा कलेक्शन के, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. क्योंकि आप लोग आज में आप लोग का जो होमवर्क है वो ये है कि अब मैं सेकेंडरी डेटा तक पढ़ा के फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ तक का आपको रिवाइज करना है और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस आपको सेट ए में मिलेंगे वो सब आप प्लीज ट्राई कीजिएगा. कल हम वो डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे कि इस सिचुएशन में किस तरीके का मेथड अप्लाई होना चाहिए, किस मेथड की क्या लिमिटेशन है. अब देखिए कैसे बताया था आपने स्टूडेंट से, हमें स्टूडेंट से बात करनी है. हाँ ये हाँ, तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ये बताओ, जैसे आपने देखा मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड है, ठीक है, अदिति इशिता भी आप दोनों मुझे देख रहे हो, तो आप मुझे बताओ कि इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है मेल्ड क्वेश्चनेयर की. इशिता आप बताइए. अगर आप मैम मेल्ड क्वेश्चनेयर, एक तो हम लोग पर्सनली किसी से मिल नहीं पाएंगे तो okay. पर्सनली किसी को जान नहीं पाएंगे और मेल्ड में मैम हो सकता है कोई इग्नोर करके भी छोड़ दे और 100% रिजल्ट्स ना आए. राइट, अदिति आप कुछ कहना चाहोगे. मैम पीपल में फील फॉल्स मींस व्हिच आर नॉट दे डू नॉट फील और दे मतलब फॉल्स वो फिल कर देते हैं कि अभी के लिए ऐसे फिल कर देते हैं. But that could happen in they might not consider it important to fill, so they may fill false also. Okay. ठीक है. और किसी को कुछ बोलना है? It can be biased. Who is he? आप कौन? किसकी आवाज आई? मैम प्रीत सिंह खुराना. प्रीत सिंह. मैम प्रीत सिंह खुराना. ओके ओके हाँ प्रीत. क्या बोला आपने, रिपीट करना. मैम इट कैन बी बायस्ड. ओके. बट आपको नहीं लगता कि जो आप बता रहे हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन या बायस्ड दे देंगे वो तो बाकी मेथड्स में भी हो सकता है, लाइक इंटरव्यू मेथड में भी, इवन पर्सनल इंटरव्यू में भी ऐसा हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही ना दे. डोंट यू थिंक सो? इसमें मेल क्वेश्चनेयर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये टोटली यू नो रिस्पोंडेंट के ऊपर है कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा है. इसमें
मेल करने पे या नहीं करने पे आई डोंट थिंक ये पर्सनल इंटरव्यू में भी वो आपको मतलब बायस्ड आंसर्स मिल सकते हैं, इनडायरेक्ट इंटरव्यू में भी मिल सकते हैं. इशिता ने एक बात बोली थी दैट वॉज द करेक्ट आंसर कि इसमें सबसे कम रिस्पॉन्स मिलते हैं हमें मेल क्वेश्चन है. इशिता ने ये बात मेंशन करी थी. या दिस इज द पॉइंट कि सबसे जैसे कहना चाहिए ना कि हमें सबसे कम रिस्पॉन्स जिसमें मिल सकता है ना बाकी एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स वो मेल क्वेश्चन एरिया कि इसकी इग्नोरेंस बहुत है. आप लोग ही मुझे बताइए कितना आप लोग मेल्स चेक करके और अगर देखते हैं कोई क्वेश्चन है तो उसे ओपन करके फिल करते हैं. बहुत ही कम, जैसे मैं नहीं करती बिल्कुल भी, आप लोग भी कम करते होंगे. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ मेल क्वेश्चन है. उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये वर्ल्ड वाइड आप इसको इसका जो कवरेज एरिया है दैट इज वाइडेस्ट, सबसे ज्यादा यही कवर करेगा. इवन टेलीफोन पे भी हमारे पास लिमिटेशन आ जाएंगी कि हम ISD कॉल्स कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कई बार सिग्नल्स का इश्यू है यू नो, बट इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं. लेकिन रिस्पॉन्स की लिमिटेशन कि इसमें रिस्पॉन्सेज हमें मतलब इग्नोरेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मिलते हैं. ऐसे ही आपको एक सिचुएशन दी जाएगी. मुझे एक क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलमिटी हो जाती है जैसे बाढ़ आ गई या सुनामी आई थी ना जैसे वैसा कुछ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ ऐसा हो गया. सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और लोग वहां पे जाके आपको डेटा कलेक्ट करना है या उस सिचुएशन का डेटा कलेक्ट करना है, ज्यादातर रिपोर्टर्स ही करते हैं है ना, उन लोग को एकदम न्यूज सेंड करनी होती है, तो आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सा मेथड यूज करेंगे टू कलेक्ट दी करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन सारे मेथड्स में से. मतलब कि लोग बहुत परेशान हैं, आप उनसे क्वेश्चनर आई डोंट थिंक कि वो इतने अच्छे मेंटल स्टेट में होंगे कि वो क्वेश्चनर फिल करेंगे. जो लोग सही मेंटल स्टेट में होते हैं वही लोग विलिंगली नहीं करते. मैम पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू व्हाई, किसने बोला पर्सनल? मैम बिकॉज़ वो उस जगह पे जाएंगे तो वो पूछ सकते हैं उनसे एट द स्पॉट एंड जल्दी से अपनी न्यूज सेंड कर सकते हैं. या दिस इज द करेक्ट आंसर. पर्सनल इंटरव्यू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज़ होता क्या है कि जब नेचुरल कोई भी नेचुरल कैलमिटी होती है ना किसी तरीके की, तो उसमें लोगों अगर आप कंपैरेटिव देखें तो उसमें जान की उतनी हानि नहीं होती उतनी माल की होती है. जान माल ऐसे करके यूज करते हैं ना, लाइक वहां पे उतनी डेथ्स का रेशियो कम होता है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा खराब हुई होती है. कभी भी आपने सुना होगा न्यूज में. सो जिसकी प्रॉपर्टी खराब हुई है, जिसका घर गिरा है या जिसकी दुकान गई है, मान लीजिए कहीं आग लग गई, तो जो उसका ओनर है वही आपको बता सकता है ना कि उसका क्या क्या नुकसान हुआ है. आई थिंक टाइम हमारा ओवर होने वाला है. अच्छा ठीक है. सो वही आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है. राइट भाई, आप फोन नहीं कर सकते. वो कोई भी बंदा परेशान है वो नहीं पसंद करेगा कि वो फोन पिक करे, वो भी अननोन कॉल्स. राइट, इनडायरेक्ट इंटरव्यूज यहाँ काम नहीं आएंगे कि कोई और बताए कि उनकी दुकान में क्या नुकसान हुआ. किसी को नहीं पता उनकी दुकान में कितना सामान था, उनके घर में क्या क्या सामान था जो डिस्ट्रॉय हुआ. एंड क्वेश्चन इज ये ऑब्जर्वेशन का तो मतलब ही नहीं है. ऑब्जर्वेशन इज लाइक कि आप देखकर नहीं आइडिया लगा पाओगे कि इनका क्या नुकसान हुआ. वो बंदा खुद ही बताएगा कि उसका क्या क्या नुकसान हुआ. ठीक है, ऐसे ही अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट इन द सेंस कि मान लीजिए छोटा हो या बड़ा हो, दैट डिपेंड, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट. सो वहां मुझे आप बताओगे, मान लीजिए रेल एक्सीडेंट होता है, वो कहते हैं वहां की आपको इन्फॉर्मेशन लानी है. सो कौन सा मेथड सही रहेगा? पर्सनल इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड. बाकी भी लोग बोलिए, संस्कृति, संयम, सृष्टि, प्रांजल, बाकी लोग कहाँ हैं? दीक्षा, पर्सनल इंटरव्यू. Personal interview. Anyone else? Personal interview. Observation. Devrat Bora. Personal. Devrat, आप बताएंगे? गुवाहाटी से हैं आप, मुझे पता लगा इतनी दूर से आपने हमें ज्वाइन करा है. Devrat, आपको समझ में आ रहा है अभी तक जो पढ़ा है? हाँ मैम, आ रहा है मैम. ओके, आप बताओगे मुझे कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो? मैम पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू, ओके.
इनडायरेक्ट इंटरव्यू किसने बोला? मैम इशिता और अदिति आपका क्या कहना है? मैम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अदिति इशिता पहले आप अपने आंसर को डिफाइन करेंगे व्हाई इनडायरेक्ट इंटरव्यू? मैम क्योंकि वहां पे जो लोग मतलब जिसको इंजरी हुई है या फिर जो वहां पे उसके साथ था उनको इस सिचुएशन के बारे में ज्यादा पता होगा. मैम कोई ट्रेन में ही ट्रैवल कर रहा था जिनके साथ, तो उन लोगों को जो जहां पे हुआ है उन लोगों को ज्यादा पता होगा कि क्या हुआ है एक्चुअली में और क्या क्या हार्म हुआ है. ओके ओके अदिति आप क्या कह रहे थे ऑब्जर्वेशन कैसे? मैम जो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो पर्सन मेंटली इतना वो नहीं होगा रिस्पांस देने के लिए, तो हम कितना डैमेज है उसे ऑब्जर्व करके थोड़ा बहुत दे सकते हैं बाद में उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन. ओके और किसी ने इनडायरेक्ट किसी ने पर्सनल इंटरव्यू भी बोला था? हु वाज ही पर्सनल इंटरव्यू भी किसी ने बोला था? बोलो बच्चों. प्रीत सिंह ने बोला था शायद. आप लोग का वीडियो ऑन नहीं है तो मुझे पता नहीं चल रहा है. मैम नो नो दिस टाइम आई वाज ओनली लिसनिंग. ओके ठीक है. आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट तो मैं ही बता देती हूँ. इशिता अगेन यू आर राइट. इनडायरेक्ट इंटरव्यू इज द राइट आंसर अदिति बिकॉज ऑब्जर्वेशन से आप ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही मेथड लगेंगे इनडायरेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन, बट अगर आपको एक चूज करना हो दोनों में से तो वी शुड गो फॉर इनडायरेक्ट. बिकॉज होता क्या है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो देखने वाले लोग होते हैं जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा होता है दे कुड यू नो एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे. आप कभी भी कोई न्यूज देखते होंगे तो वो ये बोलते हैं ना कि जो लोग वहां थे उनसे हमें पता लगा, देखने वालों ने बताया, राइट? क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि हुआ क्या. वो एकदम इतना हर्ट हो जाते हैं या इवन दो साइकिल या मोटरसाइकिल भी टक्कर होंगी ना. सो अगर आप उन चाहे वो मेंटली मतलब फिजिकली फिट भी हो बट वो मेंटली नहीं फिट होंगे, वो कहेंगे इसकी गलती है, दूसरा कहेगा उसकी गलती है, कोई अपनी गलती नहीं मानेगा. बट जो वहां पे होगा दूसरा या तीसरा बंदा वो बताएगा कि नहीं ये गलत आ रहा था, ये रॉन्ग साइड से आ रहा था. सो दिस इज द रीजन कि अगर एक्सीडेंट्स होते हैं चाहे वो आपको एक छोटे एक्सीडेंट की बात करें या क्वेश्चन में कोई भी बड़ा एक्सीडेंट बोले तो आपको हमेशा आंसर देना है वहां पर इनडायरेक्ट इंटरव्यू. ठीक है अगर इनडायरेक्ट इंटरव्यू ऑप्शन में ही ना हो देन यू विल गो फॉर ऑब्जर्वेशन, या उन्होंने दे रखा हो ए एंड बी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो आप बोथ करेंगे, राइट? बट जो प्रायोरिटी है दैट इज फॉर इनडायरेक्ट इंटरव्यू, दैट्स द करेक्ट आंसर. फटाफट से सेकेंडरी क्वेश्चन सेकेंडरी डेटा पर और आ जाते हैं सो देट आप यहाँ तक कल मुझे क्वेश्चन करके दिखा दो. सेकेंडरी डेटा सिंपल, कोई सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का कोई मेथड नहीं हो सकता, सिर्फ सोर्सेज हो सकते हैं, राइट? आपको जो डेटा कलेक्ट करना है उसका कोई मेथड थोड़ी होगा, उसके सोर्सेज होंगे कि वो आपने कहाँ से लिया. सो ये फोर जो वैसे तो आप कहीं जो भी प्रिंटेड मटेरियल है वो सारा आपका सेकेंडरी में आता है, बट जो जिन्हें कहना चाहिए जिनपे आप जो ट्रस्टवर्दी सोर्सेज है वो ये चार है जो मैंने नोट्स में दिए हैं जो आपकी स्टडी में दिए हैं. गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल सोर्सेज, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, unpublished sources of various research institute and researchers. जो लोग PhD करते हैं उनकी जो research होती है ना वो भी एक तरह से कहीं publish नहीं होती, unpublished में ही आएंगी वो सब, तो वहां से sorry वो unpublished sources हैं but वो आएंगे secondary data में क्योंकि वो रखे हुए हैं use करने के लिए, उसे कोई भी use कर सकता है, right? तो यहाँ तक बच्चों आप लोग प्लीज कल अपना स्टडी में से पढ़ लेना, क्वेश्चंस कर लेना एंड फर्स्ट वील टेक दी क्वेरीज एंड देन वील मूव फर्दर. क्योंकि मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ जो थ्योरी है ना उसी से आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे और थ्योरी तो मिलेगी. ओके चल सी यू गाइस, बाय बाय. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. वेलकम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. स्टॉप शेयरिंग. स्टॉप कर देती हूँ शेयरिंग. हो गई.